हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम क्लास फोर्थ इंग्लिश ग्रामर का एफ ए थर्ड करेंगे। ये वीडियो 44 है। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड, ठीक है। तो देखो, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन एंड फिल द ब्लैंक्स। आपको देखो, ये ब्रैकेट्स में कुछ प्रिपोजिशंस दी गई हैं, ठीक है। उनमें से जो आपको राइट प्रिपोजिशन है, करेक्ट प्रिपोजिशन है, वो आपको चूज करनी है और इनको फिल करना है। तो देखो, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे या फोर का, किसका? फोर का यूज़ करेंगे। आपको आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ फॉर योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता के लिए किसका यूज़ होता है? फोर का, ठीक है। इसी तरह सेकेंड देखो, ही फेल इन टू द वेल, इसमें क्या आएगा? इन टू, ठीक है। नेक्स्ट, ही सा शी सा एक्सक्यूज ऑफ स्टीलिंग 10,000, ठीक है। यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, यहाँ पे इनटू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, सिल्वर इज इम्पोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम लंडन, यहाँ पे इनका यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जॉइन टुगेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स शोन इन ब्रैकेट्स। तो देखिए, आई ऑनर हर, शी इज ब्रेव लेडी, इसमें बिकॉज दिया गया है। तो बिकॉज आपको कहाँ पर परफेक्ट जगह कहाँ पर लगाना है? देखो, आई ऑनर हर, यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे बीच में बिकॉज, फिर उसके बाद ये लिखेंगे शी इज़ ब्रेव लेडी। समझ गए आप? ठीक है, कंजक्शन है ये, तो इनका आपको पता है कि आपको बीच में यूज़ करते हैं, और दो पेयर को, दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड है, वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, वर्क हार्ड और लगाएंगे फिर बीच में, यू विल नॉट पास, समझ गए। नेक्स्ट है, द बॉय इज थिन बट लगाएंगे हिज फादर इज फैट, यूं का यूं लिखेंगे सेंटेंस आगे का। नेक्स्ट है, अमित रन्स फास्ट, अशोक रन फास्टर, अमित रन्स फास्ट बट लगाएंगे फिर अशोक रन्स फास्टर, समझ गए। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। आपको इन जो कंजक्शन है सुटेबल वो लगाना है। इसमें देखो, वेट हेयर और आई रिटर्न, यहाँ पे आप लगाएंगे और। नेक्स्ट है, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट एंड लगाएंगे। नेक्स्ट, रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, यहाँ पर और लगाएंगे कंजक्शन, ठीक है। और आई शैल बाय इट बिफोर आई हैव मनी, यहाँ पर बिफोर आएगा। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वो ईमानदार है, तो यहाँ पे हम बिकॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है। बच्चों, मैं आपको यहीं तक करा रही हूँ। आपको एफ ए थर्ड की एक्सरसाइज में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, यहीं तक आपको अपनी नोटबुक में फिल करना है और इसको आपको लर्न भी करना है। थैंक यू।